हेलो गाइस, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डीयू डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर, जो कि हेल्ड हुआ है आपका 28 मार्च 2021 को। उसका एग्जाम था इवनिंग शिफ्ट में, इसे हम आज डिस्कस करेंगे। और कल हमने जो है स्टोरकीपर का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन शहर था। सबसे प्राचीन जो शहर था भारत में खोजा गया, वो था हड़प्पा, यानी ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिन भी बच्चों का अभी एग्जाम है, 4 अप्रैल को है, उसके बाद 11 को है, 10 को है, तो आप मुझे जो हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है hpcompetitiveexams054@gmail, ठीक है, उस पर जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम इसे सॉल्व करा पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलते जुलते हो। देखिए, कल हमने स्टोर कीपर का एग्जाम किया, उसमें पूछा था हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो अगर जिन्होंने कल का देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो अब इसी तरह से जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है, और मिलते जुलते रहते हैं। तो इसे हम डिस्कस जरूर करेंगे, अगर आप सेंड करोगे, ये भी हमें किसी ने सेंड किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हड़प्पा जो है सबसे पुराना था, 1921 में इसकी खोज की गई थी डीआर साहनी, दयाराम साहनी द्वारा। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी, रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद का जो अर्थ है वो है ज्ञान, यानी नॉलेज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कल पूछा था इसने उपनिषद का, तो उपनिषद का मैंने आपको बताया था समीप बैठना। नेक्स्ट देखिए, सिंहासन हासिल करने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो किसने? अजातशत्रु। अजातशत्रु के पिता थे बिंबिसार, ठीक है, ये हरियंक वंश जो था उसके फर्स्ट रूलर थे, ठीक है। तो इस बिंबिसार जो थे, पिता थे अजातशत्रु, तो इन्होंने जो है इसकी हत्या कर दी थी और खुद राजगद्दी पर बैठ गए थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण किसने किया था? तो किसने किया था? अशोका ने, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा यहाँ पे। देखिए, जो भी है, चार संगीतियां हुई है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो चारों से एग्जामिनर पूछता है, इनके संरक्षण को पूछता है कि इसको जो है किसने प्रोटेक्ट किया था। तो यहाँ पे थर्ड का पूछा है, इसी तरह फर्स्ट का भी पूछेगा, सेकंड का पूछेगा और फोर्थ का पूछेगा, ठीक है। और पूछता है पहली कहाँ पे हुई, सेकंड कहाँ पे हुई, थर्ड कहाँ पे हुई, फोर्थ कहाँ। तो ट्रिक याद कीजिएगा, रवि पीके है, रवि पीके है। यहाँ से चार आप बहुत संगीतियां याद कीजिएगा। देखिए, रवि से, आर से क्या होगा? राजगृह। वी आई से होगा वैशाली। पी से होगा पाटलिपुत्र। के से होगा कुंडलवन, ठीक है। के से क्या होगा? कुंडलवन। पी से पाटलिपुत्र, वी से वैशाली, आर से राजगृह। तो ये चार जो है बौद्ध संगीतियां थी, रवि पी के है, याद रहेगा। यहीं से पूछ लेगा तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई, जिसको अशोक ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, प्रोटेक्ट किया था। ये आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदय ने। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया हमारा, प्रथम ज्ञात गुप्त कौन था? तो ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, जो कल क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया, उसमें भी ये पूछा गया था। तो चंद्रगुप्त, मैंने बताया था आपको, अगर आपसे पूछे प्रथम ज्ञात गुप्त कौन है, तो चंद्रगुप्त, ठीक है। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, इसके बारे में एग्जामिनर पूछता है। और पूछता है गुप्त जो आपकी डायनेस्टी थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, ठीक है। जो गुप्त काल था, इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, लेकिन अगर प्रथम ज्ञात गुप्त की बात करें तो वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। त्राइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? त्राइन की जो फर्स्ट बैटल थी, ये हुई थी 1191 में, ठीक है, 1191 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा यहाँ पे। किस किसके बीच में हुई थी? तो आपके पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, और फर्स्ट टाइम जो है पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था, और सेकंड बैटल हुई थी 1192 में, इसमें जो है गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, ठीक है। पहले में जो है चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने हराया गौरी को, और सेकंड में गौरी ने हरा दिया पृथ्वीराज चौहान को, जो कब हुई? 1192 में। नेक्स्ट देखिएगा, 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसे दूसरा अलेक्जेंडर माना जाता है? तो इसे माना जाता है कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। विश्व विजेता बनना चाहता था ये, और जो इसने सिक्के जो है जारी किए थे, उसपे स्काई 3 आइस शाम करके, स्काई 3 आइस शाम, ठीक है, ये जो है इसने इस पे लिखा था स्काई 3 आइस शाम, जिसका मेन क्या होता है?
एलेक्जेंडर का जो नाम लिखी थी अपने सिक्कों पे, ठीक है, जिसने सिक्के चलाए थे उसके ऊपर लिखा था शिकायत्री आईसा, यानी दूसरा एलेक्जेंडर का मतलब है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली के सुल्तान ने सहायता संस्था दीवाने खैरात की स्थापना की? तो दीवाने खैरात जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अकबर के इकलौते हिंदू दरबारी जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था, तो ये कौन सा था? ये था बिरबल, नौ रत्नों में से एक था। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? तो अकबर ने शुरू किया। कब किया? 1582, कब? 1582 ईस्वी में, ठीक है। ईयर जो है जरूर पूछेगा एग्जाम में आपसे। ऐसे देखिएगा, इनमें से किसने 17वीं सदी के दौरान पश्चिमी तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापार का नियंत्रण किया था? तो ये थे पुर्तगाल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम ट्रेड जो था वो पुर्तगाल ने किया था 17वीं सदी के अंदर। नेक्स्ट है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते हैं? तो गांधी जी जो थे वो खादी को मानते थे आपका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का प्रतीक, यानी आर्थिक स्वतंत्रता। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खादी जो है, अभी हमारा खादी उद्योग जो है, उसने ई खादी करके अपना वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ई खादी करके अभी हाल ही में जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? वे हुआ था बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में ए ओ हयूम द्वारा, ठीक है। एलेन ऑक्टेवियन इनका नाम है, इनके द्वारा जो है स्थापना की गई थी कांग्रेस की 1885 में, ठीक है। फर्स्ट अधिवेशन, कांग्रेस की अधिवेशन जो है काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी कौन से अधिवेशन में भाग लिया, ठीक है, तो कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की? सरोजिनी नायडू ने। और साथ के साथ पूछते हैं कि कांग्रेस में जो है मुसलमान जो थे उन्होंने किस वर्ष, किस जो इनका अधिवेशन था उसमें पाकिस्तान की मांग की थी, ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हम भारत की संविधान के सभापति कौन थे? सभापति कौन थे भारतीय संविधान के? राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को जो है इनको चुना गया था, ठीक है, परमानेंट सभापति। उससे पहले जो है सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को चुने गए थे, जो टेम्परेरी थे, सबसे वृद्ध थे, इसलिए उन्हें चुना गया था 9 दिसंबर को, जबकि 11 दिसंबर को अध्यक्ष चुना गया किसे? राजेंद्र प्रसाद को। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी की बात कर रहा है, करंट में, 12 सूचियां हैं भारत के संविधान में। अगर पूछेगा कि सबसे पहले जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां? 8 थी। नेक्स्ट देखिए, अच्छा 10वीं सूची के बारे में ज्यादा पूछता है, 10वीं तो अनुसूची है हमारी के बारे में ज्यादा पूछता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड। भारतीय संसद किसी भी राज्य की सीमा को डैश द्वारा पुनर्नाम या पुनर्भाषित कर सकती है, तो किसके द्वारा? सिंपल मेजोरिटी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से भारत की जो संसद है वो बिना किसी बिल को लाए, बिना किसी बिल को इंट्रोड्यूस किए, संसद में जो है किसी भी जो हमारे स्टेट है, ठीक है, किसी रीनाम, किसी भी बाउंड्री का रीनाम कर सकती है किसी भी स्टेट का, या फिर उसे पुनर्भाषित कर सकती है, यानी उसका कोई अलग नाम रख सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो हड़ताल का अधिकार, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। मूल अधिकार जो है बेसिकली हमारे कौन से है? 12 से 35 आर्टिकल के बीच में है, 12 से लेके 35 जो हमारा अनुच्छेद है वहां पे है आपके मूल अधिकार। ये कहाँ से गए हैं? यूएस, अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय संविधान में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है? तो ये करते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिंधु। अच्छा मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बताइएगा डीपीएसपी हमने कौन से देश से लिए है, ठीक है, डीपीएसपी जो है कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पद के लिए किसे निर्विरोध चुना गया? ठीक है, यानी बिना ऑपोजिशन के चुना गया, तो ये थे एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। कब चुने गए, ठीक है, ऐसा भी पूछता है, तो 1977 में, 1977 में इन्हें निर्विरोध चुना गया था, मतलब सेकंड पार्टी ने कोई भी उम्मीदवार जो है इनके खिलाफ खड़ा नहीं किया था, जो है जो ऑपोजिशन पार्टी थी उनका भी मत प्राप्त था। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, कितनी कालावधि के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव होता है 6 साल के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। एज पूछता है कितनी एज चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, 30 साल। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल एज चाहिए, और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है, एग्जामिनर देता है उसमें 3-4 ऑप्शन देगा आपको, निम्न में से किसे भंग नहीं, या फिर डायरेक्टली पूछेगा राज्यसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखिएगा, डैश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है, तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है इसे शपथ दिलाई जाती है, जो हमारे गवर्नर होते हैं उन्हें। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि गवर्नर को जो है वो अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट नियुक्ति होती है, प्रेसिडेंट द्वारा होती है यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन भारत के संविधान में कहीं पे भी जो है राज्यपाल को हटाने का उल्लेख नहीं है। ठीक है, राज्यपाल को हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं है भारत के संविधान के अंदर। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे उसे राज्यपाल बनाए रख सकता है, और एक राज्यपाल दो से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, यानी दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। 50 क्वेश्चन देखिए, 50वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु, तो यह है 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा, 65। अच्छा मुझे बताइएगा, अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम तब तक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है लोकल गवर्नमेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी स्थानिक सरकार। ठीक है, इससे रिलेटेड एक समिति है बी आर मेहता समिति, बी आर मेहता। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि जो आपकी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है इसका आइडिया किसने दिया था, तो बी आर मेहता समिति ने इसका आइडिया दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 52वां क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो सबसे नजदीक है बुध, कौन सा बुध है सबसे नजदीक ग्रह सूर्य के, और वहीं पे बात करें तो 88 दिन में सूर्य का जो है चक्कर लगाता है ये, और इसकी एक खासियत बात यह है कि इस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड है, बाकी किसी भी ग्रह पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है भाटा होता है, ठीक है, लो टाइड्स, लो टाइड्स जो होते हैं वो होते हैं वीक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए बन जाएगा, कौन सा बनेगा, ए बन जाएगा, ये 20% 20% जो है कम, तो 20% जो है वीक होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल टाइड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, पृथ्वी की अंतरम परत को क्या कहा जाता है, तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज गुरुमंडल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे बेरिस पे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। 55 देखिए, नापे किसका परिवार है, प्रकार है, नापे जो एक प्रकार है यह वलित संरचना यानी फोल्डेड स्ट्रक्चर का, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये कोई भी लार्ज बॉडी है, कोई भी लार्ज बॉडी है या आपका शैल है रॉक का, ठीक है, वो जब मूव करता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो इस तरह से बनते हैं वलित संरचना। ठीक है, फोल्डेड स्ट्रक्चर, जो मैं जियोग्राफी का लेक्चर लूंगा तो मैं जो है इसको आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट उष्ण कटिबंधीय चरागाह को कहते हैं, ठीक है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है इन्हें कहा जाता है सवाना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, तटवर्ती हवाएं कब बहती है, तो ये दिन में बहती है, तो होगा यहाँ पे भी ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट, तटवर्ती पानी जो है, जो हवा होती है पानी के कंपेयर में धरती पे जो है जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, गर्म होकर ऊपर उठती है, तो ये हवाएं बनती है तटवर्ती हवाएं, ठीक है, तो ये कब बनती है, दिन के अंदर, और पृथ्वी को जो है एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये सूर्य से मिलती है। ठीक है, जो हीट मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सूर्य। नेक्स्ट देखिएगा, 58, पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, तो यूएनसीईटी द्वारा, यूएनसीईटी ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईटी। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे बड़ा महासागर, तो यह है प्रशांत महासागर, कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो ब्लैक फॉरेस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कि अभी कुछ एक दिन पहले पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। कैसे, यह है जर्मनी के अंदर, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा हमारा। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ अपनी सीमा जो है लगाता है? तो पश्चिम बंगाल जो है हमारा वो लगाता है 3 देशों के साथ, ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से देश है वो? ठीक है, एक है बांग्लादेश, एक है भूटान, एक है लीबिया। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ जो है पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। 65वां क्वेश्चन देखिएगा, पहाड़ के वो अंतराल जो प्राकृतिक रास्ता प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, यानी दो पहाड़ है, वैसे दो पहाड़ है तो उनके बीच का जो एक अंतराल होता है, उनके बीच का गैप होता है, उसे हम कहते हैं दर्रा, पास। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 63 देखिए, कौन सी नदी भारत के बाहर उत्पन्न होती है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसरोवर लेक से निकलती है तिब्बत से, ठीक है, उसके बाद आती है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी के ऊपर, इसका भी ए हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर है सरदार सरोवर बांध। वातावरण में गर्माहट कहाँ से आती है? ठीक है, आइसोलेशन यानी आपतन से आती है, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से मिलती है हीट? हीट अर्थ को सन से मिलती है। देखिएगा, लैटेलाइट मृदा पाई जाती है, तो लैटेलाइट जो सॉइल है ये कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है ड्राई एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में, शुष्क और आर्द्र आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, मृदा दिवस कब मनाते हैं हम? 5 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, सॉइल डे। नेक्स्ट देखिएगा, खीर वन किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, मैंने परसों एक क्लास दी थी, जो एमसीक्यू की हमने क्लास शुरू की है शाम को, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि गिर के जो वन है वो कहाँ पे है? गुजरात में। इसके साथ साथ मैं समय तो भूल गया था, एक जंगल आपको बताना जो मैंने रिकॉल कर पा रहा था मैं, ठीक है, इसका नाम है स्ट्रुंजे हिल, जो मैंने कहा था कि एग्जामिनर पूछ सकता है, लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रुंजे हिल्स, स्ट्रुंजे हिल्स या स्ट्रुंजे फॉरेस्ट भी आएगा आपको, तो ये भी गुजरात के अंदर है, जहां पे अभी हाल ही में आग लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्वार टनल किस राज्य में स्थित है? तो ज्वार जो टनल है, यह जम्मू एंड कश्मीर के बनिहाल टनल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ किलोमीटर की है ये टनल, और ज्वार से आपको एक और याद करना है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ये है आपका हैदराबाद में। क्यों याद करना है? ये भारत का पहला जो है पार्क बना है जिसे आईएसओ सर्टिफिकेट मिला, भारत का पहला पार्क जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है, कौन सा है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क, कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे नेक्स्ट पार्ट में मैं अपलोड कर दूंगा। इसका पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको वहां पे नहीं आप ज्वाइन कर पा रहे हैं उस टेलीग्राम ग्रुप को, तो आप जो है सिंपली मेरी ईमेल आईडी पे जो है ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको जो है इंडिविजुअली क्वेश्चन पेपर सेंड कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।